हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द कॉमर्स डॉट कॉम माइसल सौरभ टुडे आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट थर्ड इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव है इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो सो लेट अस स्टार्ट वट इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सीमाइजेशन इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है विच इन्वॉल्व लेटेस्ट इनोवेशन एंड इम्प्रोवमेंट इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस कंसर्न जो कि एक बिजनेस कंसर्न के अंदर जो भी लेटेस्ट इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर द टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर वेल्थ और द वेल्थ ऑफ द पर्सन हु दोज हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस कंसर्न यहाँ पर जो वेल्थ है वो शेयर होल्डर की वेल्थ से रिलेटेड है तो उसके अंदर क्या करना है इम्प्रूवमेंट करना है उसकी वैल्यू को क्रिएट करना है जो भी वेल्थ है शेयर होल्डर्स की उनकी वैल्यूज़ को क्रिएट करना है शेयर होल्डर की वेल्थ को क्रिएट करना है इंक्रीज करना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज अ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि वैल्यू मैक् वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो दूसरा नाम हम कह सकते हैं वो है वैल्यू मैक्सीमाइजेशन यहाँ पर जो शेयर होल्डर की वैल्यू है जो अमाउंट शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर उनकी वैल्यू को क्रिएट करना है एनहांस करना है और जो नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन है वो भी इसके अंदर हमने करना है दिस ऑब्जेक्टिव इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस ये जो ऑब्जेक्टिव है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोस्टली बिजनेस कंसर्न के अंदर जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अडोप्ट किया जाता है फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है वेल्थ मैक्सीजेशन के फर्स्ट इज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करके चलते हैं और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको भी कंसिडर करके चलते हैं जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम रिस्क फैक्टर और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोनों को इग्नोर करते हैं इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेकेंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द कंपेरिजन ऑफ द वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम जो है कंसीडर करके चलते हैं कंपेरिजन करके चलते हैं जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है बिजनेस कंसर्न से टोटल वैल्यू डिटेक्टेड फ्राम द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन इट प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ दस बिजनेस कंसर्न यानी कि इसके अंदर हम जो टोटल वैल्यू है उसको डिटेक्ट करते हैं टोटल कोस्ट से कोई भी बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए किसी भी बिज़नेस का कुछ भी हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट को सबसे पहले हम डिटेक्ट करते हैं टोटल वैल्यू में से इट प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न ये जो है एक्सट्रैक्ट वैल्यू जो है हमारे बिजनेस कंसर्न की फिर हमें बताता है थर्ड वेल्थ मैक्सीमाइजेशन कंसिडर बोथ टाइम एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न वेल्थ मैक्सीमाइजेशन दोनों ही टाइम और रिस्क दोनों को कंसिडर करके चलता है फोर्थ वेल्थ मैक्माइजेशन प्रोवाइड एफिशियट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स क्योंकि वेल्थ मैक्माइजेशन के अंदर हम तीनों डिसीजन को लेकर के चलते हैं वो तीनों डिसीजनस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताए थे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीज़न सेकेंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड व निज़ा डिविडेंड डिसीजन तो इन तीनों को लेकर के हम जो है चलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म के अंदर कितना करना है लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर कितना करना है और शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर कितना करना है ये देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग के अंदर हमारे पास जो भी फंड को प्रोक्योर करना है और उसको फिर जो एफिशिएंट यूज करना है वो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर सभी एक्टिविटीज को किया जाता है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है प्रोवाइड करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कि जो जो हमने प्रोक्योरमेंट की है फंड्स की उसका हमने एफिशिएंट एलोकेट कैसे करना है एफिशिएंट यूज़ कैसे करना है रिसोर्सेज का वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है फिफ्थ इट इन्श्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर एक कंसेप्ट कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है सोसाइटी के लिए इसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है नेक्स्ट इज द अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के वो क्या क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेट्स टू प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया ऑफ द बिजनेस कंसर्न बट इट मे नॉट सुटेबल टू प्रेजेंट डे बिजनेस एक्टिविटीज़ क्योंकि अब जो है और नए नए चेंजेस टेक्नोलॉजी के अंदर और जो अभी मतलब कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है फाइनेंस से रिलेटेड है बहुत से नए नए कंसेप्ट जो है मार्केट के अंदर आ चुके हैं तो वेल्थ मैक्माइजेशन जो है अब एक ओल्ड कंसेप्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे इसलिए इट इज़ नॉट सुटेबल टू प्रेजेंट डेट बिजनेस एक्टिविटी Second, वेल्थ maximization इज़ नथिंग इट इज़ also प्रॉफिट maximization. इट इज़ द इनडायरेक्ट नेम ऑफ द प्रॉफिट maximization. वेल्थ maximization एक दूसरा इनडायरेक्ट नाम हम कह सकते हैं profit maximization का क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो बेनिफिट मिलता है वो मैनेजमेंट को और जो शेयर होल्डर्स है उन्हें ही मिलता है इसलिए जो इसको इनडायरेक्ट नाम दिया गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इसके अंदर वैल्यू क्रिएशन किसका हो रहा है जो शेयर होल्डर्स है उनका और जो अल्टीमेटली फ़ायदा मिलेगा उसको उसका मिलेगा कंपनी के जो मैनेजमेंट होने थर्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ऑनरशिप मैनेजमेंट कॉन्ट्रोवर्सी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दोनों के बीच में मैंने अभी आपको बताया कि जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है दोनों के बीच में जो है ये क्रिएट कर सकता है कॉन्ट्रोवर्सी क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का भी काम होगा और जो शेयर होल्डर होंगे जो ओनरशिप मतलब कि क्रिएट करेंगे बिजनेस के अंदर उन दोनों के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो उनका काम है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और सेकंड जो ओनरशिप है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड दिया जाए तो उनकी भी जो है वेल्थ वैल्यू के अंदर क्रिएशन हो सके तो दोनों के अंदर इससे कॉन्ट्रोवर्सी बन सकती है फोर्थ मैनेजमेंट अलोन इन सर्टेन बेनिफिट्स इससे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा मैनेजमेंट को वेल्थ मैक्सीमेशन के अंदर फिफ्थ द अल्टीमेट एम ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट क्योंकि जो अल्टीमेट एम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वो मैक्सिमाइज करना ही है प्रॉफिट का इसलिए इसको जो दूसरा नाम इनडायरेक्ट नाम हम कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो कहते हैं वेल्थ मैक्सीमाइजेशन को क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेट एम जो है वो प्रोफिट को मैक्सीमाइज करना ही होता है बिजनेस के सिक्स वन लास्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन भी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न जब किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तभी इस चीज़ को हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर अदरवाइज नहीं कर सकते प्रॉफिटेबिलिटी किसी बिजनेस की अगर लो है तो वहाँ पर वेल्थ मैक्माइजेशन जो है यूज़ नहीं कर सकते इस टेक्निक को इस ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर फुलफिल और कंसिडर नहीं कर सकते जहाँ पर प्रोफिटेबिलिटी किसी बिजनेस की अच्छी है वहीं पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेल्थ मैक्सीमाइजेशन को सो so, ये सभी फेवरेबल और अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए थैंक यू